जब हम इमेज से उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो कई बार वो ऐसी चीजें भी रिमूव कर देता है जो हम नहीं चाहते कि वो रिमूव करे। इन दैट केस आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कस्टम कंट्रोल, ताकि आप उसे फाइन ट्यून कर सको, ताकि आप उसे बता सको कि इसको हटाना है और इसको रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से हम फ्री में एक इमेज से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फाइन ट्यून के साथ। सही है, शुरू करें। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मंक। अब सीधा कंप्यूटर पे चलते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले खोलेंगे ब्राउजर, और ब्राउजर में खोलेंगे टूल जिस टूल का नाम है pixlr.com, pixlr। पिक्सलर का पहला ये लिंक क्लिक कर देंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ पे है, आप इसको क्लिक करो और हम इस टूल पे आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक इमेज निकाल के रखा हुआ है जिसमें मैं हूँ, एक किताब है, एक टेबल है और मेरा लैपटॉप भी है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जब भी मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, इसका इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको कई बार समझ नहीं आता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। किताब को रखना है, किताब को हटाना है, लैपटॉप को रखना है, हटाना है, उसको नहीं समझ में आता। उस चक्कर में वो क्या करता है, मेरे को छोड़ के बाकी सारी चीजें निकाल देता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड तो रिमूव हो जाए लेकिन किताब, लैपटॉप और टेबल रह जाए। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो इस टूल में जाएंगे, सिलेक्ट फोटो बोलेंगे और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही आप देखोगे कि ये अपने आप जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर चुका है, ठीक है? लेकिन इसने गड़बड़ ये कर दी कि इसने मेरा लैपटॉप, मेरा टेबल, मेरी किताब भी हटा दिए, जो मैं नहीं चाहता। तो अब सवाल यह है कि इसको रिस्टोर कैसे करेंगे, वापस कैसे लाएंगे। तो इनके लिए हम कुछ टूल्स यूज करेंगे। यहाँ पे तीन टूल्स हैं। अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है तो आपको थोड़ा पता होगा कि ये ड्रॉ का टूल है, ये मैजिक का टूल है, ये लैसो टूल है। ड्रॉ का टूल क्या करता है, आपको एक कर्सर दे देता है, एक छोटा सा सर्कल दे देता है जिसमें आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ का मतलब क्या, जहां पे आप ड्रॉ करोगे वहां पे या तो वो रिस्टोर कर देगा, रिस्टोर का मतलब है जो चीज हट चुकी है या तो वो वापस आ जाएगी, या एक चीज जो ऑलरेडी है उसको आप चाहो तो हटा दोगे इसके ऊपर पेंट करके, ठीक है? तो जब भी ये रिस्टोर का बटन पिंक होगा तो आप समझ लो कि जहां जहां आप पेंट करोगे वहां वहां चीजें वापस आती जाएंगी। और जब भी आपका रिमूव सिलेक्टेड होगा, उस वक्त अगर आप पेंट करोगे तो वो चीजें रिमूव होने लग जाएगी, वो चीजें रिमूव होने लग जाएगी, ठीक है? अब पेंट में जो एक सेटिंग होता है वो है साइज का। जैसे आप साइज बढ़ाते हो तो ये सर्कल का साइज बढ़ जाता है, तो आप उस हिसाब से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। अगला टूल है मैजिक टूल। मैजिक टूल में होता यह है कि आप कहीं पे भी क्लिक करते हो, उस जगह पे जो पिक्सल होगा, उस पिक्सल का जो भी कलर होगा, उससे मिलता जुलता कलर जो है वो हटा देगा आसपास से, ठीक है? जैसे मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं तो इतना एरिया हटा दिया, मैंने यहां पे क्लिक कर दिया तो इतना एरिया हटा दिया। अब इसका ऑप्शन जो होता है उसका नाम है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये कि ये कितने दूर तक का जो कलर है वो हटाएगा, ठीक है? अगर आपने टॉलरेंस छोटा कर दिया है और आपने जो है यहाँ पे क्लिक किया तो छोटा सा एरिया रिस्टोर होगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया रिस्टोर होगा। अगर आपने टॉलरेंस को बहुत बढ़ा दिया है और कहीं पे आप क्लिक कर देते हो तो पूरा का पूरा जो है वो वापस आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको टॉलरेंस कम ज्यादा करना है, डिपेंडिंग कि आप कितना उसका इफेक्ट, कितना वाइड स्प्रेड करना चाहते हो। अब बात करते हैं तीसरे टूल की। तीसरे टूल है लैसो टूल, जिसका मतलब यह है कि वो आपको एक डॉटेड बाउंड्री बनाने देगा और उस बाउंड्री के अंदर की चीज को वो या तो रिस्टोर करेगा या तो डिलीट करेगा, ठीक है? तो जहां पे भी आप ऐसे एक सर्कल बना दोगे, एक बाउंड्री बना दोगे, तो उसके अंदर की चीज वो या तो रिस्टोर कर देगा या तो रिमूव कर देगा, डिपेंडिंग कि आपने रिस्टोर का बटन दबाया है या रिमूव का बटन दबाया है, ठीक है? ये हो गया टूल, मैंने आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं, ठीक है? तो कैंसिल करेंगे, फिर से फाइन ट्यून में आएंगे और पहले वाले पोजिशन में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं लूंगा मैजिक बैंड और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं किताब को वापस ला सकता हूं, ठीक है? दो चार जगह पे क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूं सिर्फ इतना पता लगाना कि मेरा जो टेबल है उसके एजेस कहां पे। तो मैंने देख लिया कि एजेस यहां पे है, साथ में इसने काफी सारी दीवार भी वापस ला दी है, इसको हटाएंगे। उससे पहले लैपटॉप को भी जो है वापस से करने की कोशिश करेंगे रिस्टोर। इससे मोटा मोटा मुझे बाउंड्री समझ में आ गई है कि टेबल कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, और लैपटॉप कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। तो मैं लैसो टूल लूंगा और सिर्फ टेबल, किताब और लैपटॉप वाले एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, सिर्फ लैपटॉप वाले एरिया और टेबल और किताब इनको सिलेक्ट कर लूंगा। इसे होगा ये कि अंदर की सारी चीज रिस्टोर हो जाएगी, तो मेरे टेबल की सारी चीजें वापस आ गई है। अब मुझे बस इस दीवार को हटाना है, जो कि बहुत ही आसान है लैसो टूल की मदद से। यहां से ये रिमूव हो गया, थोड़ा सा यहां पे टेबल का जो हिस्सा है ये भी रह गया, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहां पे मेरे पीछे जो है थोड़ा सा रह गया है, इसको भी मैं हटा देता हूं।
अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे तो ये और अच्छे से फाइन ट्यून होके प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी से अपने इमेज में से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो भी फाइन ट्यून के साथ, ये बताते हुए कि ये रखो ये हटाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते खत्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर कॉमेंट ये सब कर देना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।